नमस्कार, मैं समिट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एरोली नवी मुंबई से हूँ। मैं आपको सोगो में ड्रिल रिशार्पनिंग मशीन को किस तरह से यूज़ करते हैं ये मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। ये इजी टू यूज़ मशीन है। इसे चलाने के लिए किसी तरह की स्किल नहीं लगता है। ये ऑन ऑफ स्विच है। यहाँ 3 से 13 mm की सेटिंग दी हुई है। जो आपका ड्रिल है वो डाया आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये कॉलेट्स है 2.1 mm से लेके 13 mm तक के। यहाँ आपको डिग्री दी हुई है। जो ड्रिल का डिग्री होती है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए 95 to 135 डिग्री है यहाँ पे। ये व्हील है HSS ड्रिल के लिए, CBN व्हील, कार्बाइड ड्रिल के लिए डायमंड व्हील आप यहाँ लगा सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसे यूज़ किस तरह से करते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कॉलेट होल्डर है। हमने 6 mm के ड्रिल लिए हैं। 6 mm ड्रिल के लिए हमने कॉलेट लिया 6 to 5। ये कॉलेट होल्डर में हमने इसे लगा दिया, थोड़ा टाइट कर लिए। यहाँ हमें डाया सेट करनी है ड्रिल की। जो ड्रिल का डाया है वो डाया हम यहाँ पे सेट करेंगे। 6 mm का ड्रिल है हमारा, हम यहाँ 6 mm इसे सेट करेंगे। 5, 5.5, 6, 6 ये आपका एरो से मैच हो गया। ये 6 mm ड्रिल को थोड़ा सा आगे पुश करेंगे। पुश करने के बाद से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पकड़ेंगे। अब इसे लॉक करेंगे। ये हमने लॉक कर लिया। यहाँ आपका डाया सेट हो गया। मशीन ऑन करेंगे। यहाँ हम पॉइंट ग्राइंडिंग, एंगल ग्राइंड करेंगे। ये एक साइड से हो गया पॉइंट आपका। अब हम दूसरे साइड से करेंगे। ये आपका पॉइंट ग्राइंड हो गया। अब हम रिलीफ एंगल करेंगे। ये एक साइड हो गया। ये आपका रिलीफ एंगल हो गया। देखिए कितने कम समय में आपका ड्रिल रिशार्पनिंग हो गया। ये आपका पॉइंट हो गया, ये आपका रिलीफ हो गया। तो इस तरह से ये मशीन हम यूज़ करते हैं। धन्यवाद।